बुद्धिज्म, अरे वो तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, और बुद्ध वो तो खुद विष्णु के अवतार है। यह सिर्फ एक अलग विचारधारा है, अलग विचार है, पर वो हिंदुज्म से ही निकला है और हिंदू धर्म का ये भाग है। बुद्ध ये कोई अलग धर्म नहीं है भाई, वो सिर्फ एक अलग विचार है, अलग पंथ है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को 22 प्रतिज्ञा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 22 प्रतिज्ञा में कहते हैं कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये झूठा प्रचार है। जो पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्म विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानता, ना उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता, ना मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। तीसरे नंबर की प्रतिज्ञा है कि मैं गौरी गणपति को नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता, और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानता, और ना मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े ही होशियारी से इन 22 प्रतिज्ञा का निर्माण किया, वो खुद ग्रहण की और जो उनके अनुयायी थे उनको भी ग्रहण करने के लिए कहा। अब दोस्तों सवाल यह उठता है, क्या बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए 22 प्रतिज्ञा जरूरी है? तो इसका एक शब्द में जवाब है, नहीं। अरे यार आगे भी तो सुन लो दोस्तों। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा में 19वें नंबर की प्रतिज्ञा अगर आप लोग पढ़ोगे, मैं मराठी में पढ़कर सुनाने वाला हूं, तो ये वंदना सूत्र पठन भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। इसमें जो 22 प्रतिज्ञाओं में से 19वें नंबर की प्रतिज्ञा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी कंफ्यूजन है 22 प्रतिज्ञा को लेकर, पूरी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। बिकॉज क्या होता है, जब भी बौद्ध धर्म स्वीकारने की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि 22 प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है, पर किस संदर्भ में जरूरी है ये समझना बेहद जरूरी है, जो लोगों को नहीं समझ में आता। जैसे कि आपको मैं 19वीं प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाता हूँ। मी माझ्या जुन्या मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या आणि मनुष्य मात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा त्याग करतो। क्या लिखा है? हिंदू धर्माचा त्याग करतो व बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या रेज किया था, क्या बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए 22 प्रतिज्ञा जरूरी है? अगर कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, इनको बौद्ध धर्म में आना है, बुद्धिज्म में आना है, और वो ये जो 19 नंबर की जो प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे पुराने धर्म को छोड़ता हूँ, जो धर्म मनुष्य मात्रा को असमान और नीच मानता है, उस हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूँ। अब वो कहेगा मैं तो हिंदू ही नहीं, मैं तो मुस्लिम था, मैं तो क्रिश्चियन था, मैं तो जैन था, तो मैं तो इसका त्याग कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये 22 प्रतिज्ञा उसके लिए क्या मतलब, समझ रहा है? डज इट मेक सेंस? जैसे कि पहला, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। अब मुस्लिम बोलेगा यार मैं तो पहले से नहीं मानता था, आप मुझे क्यों दे रहे हो ये? तो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर ये है, 22 प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप कहोगे फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1956 में क्यों हमको ये ग्रहण करवाई? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हिंदू लोग अक्सर दावा करते हैं कि बुद्धिज्म ये तो हिंदुओं का विचार है, ये तो हिंदू धर्म का एक अंग है, हिंदुओं का पंथ है। तो इस विचार को बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे। हिंदुओं द्वारा ये जो पागलपन किया जा रहा था ब्राह्मणों के कहने पर, क्योंकि ब्राह्मणों का ये षड्यंत्र है हर चीज का ब्राह्मणीकरण करना, जैसे उन्होंने बुद्धिज्म का भी ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की, कुछ हद तक कर भी दी थी, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये जो षड्यंत्र था उस षड्यंत्र को उन्होंने तोड़ दिया, और बुद्धिज्म ये कैसे हिंदुज्म से सेपरेट है ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे दुनिया को बताया। और आज पूरे दुनिया में हिंदू धर्म अलग है, बुद्धिज्म अलग है। और देखिए हम लोग थे महार, महाराष्ट्र, यूपी के चमार। अब देखिए ये सारे लोग हिंदू कहे जाते थे उस वक्त, हालांकि हिंदुओं को जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार ये लोग को नकारे जाते थे, पर फिर भी आज के दौर में ये लोग कह रहे कि ये हिंदू है, उस वक्त भी कह रहे थे कि ये हिंदुओं का एक हिस्सा है, जबकि बाबा साहेब बता रहे थे कि ये हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। तो जब हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है बुद्धिज्म में, उस संदर्भ में ये जो 22 प्रतिज्ञा है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। पर बुद्ध धम्म स्वीकार करने के लिए क्या 22 प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है?
तो इसका आंसर है नहीं। पर हिंदुओं को जब बुद्धिज्म स्वीकार करना होता है तो 22 प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू लोग अक्सर यह दावा करते हैं कि हिंदुइज्म का ही बुद्ध धम्म पंथ है, उसका ही हिस्सा है, इसलिए जरूरी है। तो ये समझने वाली बात है, पूरी दुनिया में अगर किसी को बुद्धिस्ट बनना होता है तो 22 प्रतिज्ञा जरूरी नहीं है। 22 प्रतिज्ञा का महत्व हिंदू धर्म का त्याग करने के लिए है, ना कि बौद्ध धर्म को स्वीकृत करने के लिए है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 19 प्रतिज्ञा मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, जो मराठी में है मैं मराठी में ही पढ़ूंगा और आई होप आपको समझ में आ जाएगी। मी माझ्या जुन्या मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या आणि मनुष्य मात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा त्याग करतो। तो ये किसी मुसलमान को दोहराने की जरूरत नहीं है, किसी क्रिश्चियन को दोहराने की जरूरत नहीं है। जो हिंदू व्यक्ति है, जैसे कि हम महार थे, यूपी के चमार थे, तो इन लोगों को दोहराना जरूरी था। और बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया जाता है, बुद्ध को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया जाता है, तो इसलिए ये 22 प्रतिज्ञा पूरा ब्राह्मणों का षड्यंत्र उधेड़ देती है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा का महत्व 1956 में तो था ही था, आज के दौर में भी 22 प्रतिज्ञा का महत्व है। पर 22 प्रतिज्ञा का उपयोग किसी को चिढ़ाने के लिए या दुरुपयोग इसका ना करें, ये बात भी आपको उतना ही समझना होगा। हिंदू धर्म का त्याग करने के लिए 22 प्रतिज्ञा का महत्व है, बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के लिए 22 प्रतिज्ञा का महत्व है या नहीं, तो सिंपल से आंसर है नहीं। पर जब कोई हिंदू बुद्धिज्म में आना चाहता है तो इसका महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि उसको बताया जाएगा बाद में कि नहीं नहीं आपने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, आप तो हिंदुइज्म में ही हो, आपने अलग पंथों को चुना है या आपने एक अलग हिंदू विचार को चुना है। तो उनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को पूरा उधेड़ने के लिए 22 प्रतिज्ञा का निर्माण किया गया है। आई होप दोस्तों आपका कंफ्यूजन अभी 22 प्रतिज्ञा को लेके मिट चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सच में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय।